हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मॉडर्न फार्माकोग्नोसी एंड मॉडर्न मेडिसिन के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस। मॉडर्न फार्माकोग्नोसी जो है वो डेवलपमेंट से आई है, पुरानी फार्माकोग्नोसी को पीछे छोड़ते हुए। डेवलपमेंट हुआ इन द आइसोलेशन ऑफ कंपाउंड, डेवलपमेंट हुआ टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी डेवलप करने से बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आई जहाँ पर आइसोलेशन कंपाउंड का बहुत इजी हो गया। जैसे कि हमने पहले हम वीडियोस में देखते थे कि जितनी भी जड़ी बूटियाँ होती थी उनको पीसते थे, उनका रस निकालते थे, देन यूज़ करते थे। अब ऐसा नहीं होता, बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी मशीन्स आ गई, ऐसे टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिससे हमें पीसना नहीं पड़ता है, हम मशीन का यूज़ करते हैं उसको जितने भी कंपाउंड्स को आइसोलेट करने के लिए। न्यू टेक्निक्स बहुत सारी आई है जैसे कि पेपर क्रोमैटोग्राफी, कॉलम क्रोमैटोग्राफी, ड्रॉपलेट काउंटर करंट क्रोमैटोग्राफी, रैपिड आइसोलेशन ऑफ ड्रग कंपोनेंट इससे पॉसिबल हुआ है। बहुत जल्दी इसके कंपोनेंट, इस प्रोसेस को करने से जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो हमें मिल जाते हैं। सेकेंड इज़ प्रीवियसली, पहले के टाइम में आइसोलेशन प्रोसेस जो है बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करता था क्योंकि हमें घंटों भर पीसना पड़ता था उसे, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं मोटर और पिस्टल के अंदर। फिर न्यू स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स भी आई है, इससे और बेनिफिट हुआ है कि जितने भी आइसोलेटेड कंपाउंड हैं उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें पता चल चुका है। नाउ कम्स टू मॉडर्न मेडिसिन। एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री डेवलप द सिंथेसिस ऑफ एक्टिव प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिस्ट्री में डेवलपमेंट हुआ, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोसिंथेसिस, इन सब में एडवांसमेंट हुई, इन सारे फील्ड्स में एडवांसमेंट हुई, जिससे क्या हुआ कि सिंथेसिस जो है एक्टिव प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट का वो सिंथेटिकली होने लग गया। लेबोरेटरीज में हमें प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट, जितने भी एक्टिव प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट थे, जितने भी एक्टिव प्लांट ड्रग्स थे, वो हम सिंथेसाइज करने लगे लेबोरेटरीज के अंदर इन द मॉडर्न मेडिसिन। इसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ फिनोमिनल प्रोग्रेस, इतनी प्रोग्रेस हो गई है अब हमें प्लांट की ज़रूरत नहीं है, केमिकली हम केमिस्ट्री की हेल्प से हम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बना रहे हैं, एक्टिव ड्रग्स बना रहे हैं, उसके बावजूद भी हम इस एरिया में प्लांट को लेते हैं। यानी कि फिनोमिनल प्रोग्रेस इन द एरिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग फ्रॉम सिंथेटिक सोर्सेज, प्लांट यूज इन प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल एज अ रॉ मटेरियल, इन सब के बावजूद भी प्लांट आज भी रॉ मटेरियल की तरह काम होता है लेबोरेटरीज में। चाहे वो सिंथेटिकली हम बनाए एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, चाहे हम प्लांट से डायरेक्टली ले, पर भी सिंथेटिक में भी रॉ मटेरियल यूज़ होता है। सो ये है मॉडर्न मेडिसिन एंड मॉडर्न फार्माकोग्नोसी के कुछ पॉइंट्स।